ज्यादा समझ आ गया ना? जो अभी तक बताया मैंने यहां तक समझ आ गया कि नहीं? अभी तक मैंने सिर्फ हाइब्रिडेशन, इनके ऑर्बिटल डायग्राम सिखाए हैं तुम्हें, इसके कार्बिन का, कार्बिन का सिंगलेट फॉर्म में और कार्बिन का ट्रिपलेट फॉर्म में। ऐसे ही हमारा क्या होता है, नाइट्रिल। नाइट्रिल, नाइट्रिन को अभी कार्बिन खत्म नहीं हुआ है, कार्बिन बहुत डिटेल में, नाइट्रिन का मैं हाइब्रिड और बस जानू की बता रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हो जाए। नाइट्रिन, नाइट्रिन क्या है, देखो जैसे कार्बिन था, ध्यान देंगे, जैसे कार्बिन था तुम्हें पता था इसके अंदर दो शेड पेयर हैं, यानी दो बॉन्ड पेयर हैं, और दो क्या थे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेड इलेक्ट्रॉन कह लो, या एक शेड, क्या बोलोगे, एक अनशेड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि अनशेड। दो क्या है इसके पास, शेयर्ड पेयर यानी बॉन्ड पेयर, और एक क्या है, अनशेयर्ड पेयर द, या फिर दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ट्रिपलेट की बात करें, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ गए कि नहीं? है कार्बिन कोई पूछेगा तो तुम ये बोलोगे, नाइट्रिन में क्या बोलोगे, ये तरीका, नाइट्रिन, ये नाइट्रिन है, तो क्या बोलोगे इसमें, एक शेयर्ड पेयर, एक अनशेयर्ड पेयर और दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये बोलेंगे नाइट्रिन के अंदर। मैं इसकी हाइब्रिडेशन पहले तुम्हें बता रहा हूं और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन बतानी है दोनों, कार्बिन की और नाइट्रिन की। देखो अदर नाइट्रिन की बात कर रहे हैं, नाइट्रिन का मैंने शो कर दिया क्या चीज है ये भी, अगर मैं इसको कहूं तो तुम इसको भी दो तरीके से मान सकते हो, इसको भी तुम दो तरीके से ले सकते हो। और नाइट्रीन जो है ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेंगे, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेंगे, क्या ये चार्ज होंगे अनचार्ज होंगे, नाइट्रीन एन आर, ये चार्ज है अनचार्ज है, निकालो फॉर्मल चार्ज इस पे। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन 5 माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये वाला बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन 2, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, माइनस 4 आ गया ना 0, फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है इसके ऊपर, देयरफॉर नाइट्रीन्स देयर आल्सो अनचार्ज स्पीशीज, नाइट्रीन्स आर आल्सो अनचार्ज स्पीशीज बट आर इलेक्ट्रोफिलिक, बट आर इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब मैं तुम्हें इसमें बता रहा हूँ, नाइट्रीन्स में दो तरीके के नाइट्रीन्स हैं, ट्रिपलेट ही पढ़ना मेनली हमें, सिंगलेट तो कोई पूछेगा ही नहीं, सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रोजन में हाइब्रिडेशन क्या होगी, एसपी, सिंगलेट में क्या होगी, sp2, ट्रिपलेट में sp, सिंगलेट में sp2। अब इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन था, मैं पहले बात कर रहा हूँ ट्रिपलेट की, नाइट्रोजन क्या है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। यहां तक पहले बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No. देखो अब इसमें हाइब्रिडेशन है sp, ट्रिपलेट की बात कर रहा हूँ मैं, हाइब्रिडेशन के अंदर है sp, ये sp, यानी इसके एक sp में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक sp में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2py ये रहा, 2pz ये रहा, ये sp, ये sp, ये 2py और ये 2pz, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला sp जो है H के साथ बॉन्ड, एक sp जो पार्शियल पार्शियली फिल्ड है, ये एच के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये एसपी एच के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया बॉन्ड, एच के साथ या आर के साथ ले लो एक ही बात है, आर शो करते हैं तो इसे आर दिखा रहा हूं मैं, आर के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। दूसरा एसपी पूरा इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, दो दो इलेक्ट्रॉन है, और 2py और 2pz कैसे होंगे, इस तरीके से। कोई डाउट स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में कोई डाउट, इसके स्ट्रक्चर में कोई डाउट किसी को? नो सर। इसी को याद रखना तुम्हें, ध्यान रखना मैंने ऊपर यही शो किया, देख लो तुम ऊपर जो शो किया मैंने यही शो किया, एक शेड पेयर, ये अनशेड पेयर, ये दो अनशेड इलेक्ट्रॉन, समझ गए कि नहीं? है yes. समझ आ गया कि नहीं? है yes, नोट कर लिया तुमने ये? अब अगर मैं इसी का sp2 शो करूं, ध्यान दो, अगर मैं इसी को sp2 की फॉर्म में शो करूं तो क्या होगा, ये हटा रहा हूं मैं यहां से,
इसी को मैं अगर एसपी ट्रिपलेट को ही एसपी टू, मैंने कहा था ट्रिपलेट में एसपी टू भी होता है, लेकिन हमें पढ़ना होगा एसपी ही, स्टेबल ज्यादा ये है, नाइट्रीन ज्यादा स्टेबल होते हैं देन कार्बीन, मतलब लगभग बोलते हैं कि वही 25 किलो कैलोरी के आसपास की एनर्जी ज्यादा होती है कार्बीन की देन नाइट्रीन। अगर मैं इसी को एसपी टू शो करूं तो ये हट गया यहां से SP2, ये SP2 ले लिया, तो इसके SP2 में एक SP2 के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दो, दूसरे SP2 में एक इलेक्ट्रॉन, तीसरे SP2 में एक इलेक्ट्रॉन, ये बच गया 2PZ। तो ये हमारा SP2 है एक, ये SP2 दूसरा, ये SP2 तीसरा, और ये 2PZ। कोई डाउट? मैं एक एक चीज बहुत ओपन करके लिख रहा हूं ताकि तुम्हें कोई डाउट, कोई इसमें डाउट ना रहे बिल्कुल। अब इसके SP2 को, ट्रिपलेट के SP2 को कैसे शो करेंगे, ट्रिपलेट के SP2 को कैसे शो करेंगे, ध्यान देना, ये इसका SP2 नाइट्रोजन, ये एक SP2 में तो R आ जाएगा, एक SP2 में R आ गया, या इसको ऐसे दिखाओ ना, R को सीधा दिखा दो, एक SP2 में ये R आ गया, दूसरा SP2 ये रहा, तीसरा SP2 ये रहा, एक SP2 में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे SP2 में एक इलेक्ट्रॉन, 2PZ में भी एक इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? ये एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, किसी को डाउट तो नहीं है? कोई सर, एक में इसमें पूरा दो एक रखिए। एसपी टू में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? हाँ हाँ इसमें दो है, इसमें दो, समझ गए कि नहीं है? छवि समझ आ गया अब? हाँ यस सर। बहुत अच्छे छवि, देखो ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझ आ गया। अब अगर मैं कहूं सिंगलेट वाला SP2 कैसे होगा, फिर सिंगलेट वाला SP2, सिंगलेट वाले SP2 में हम क्या करेंगे, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक भी नहीं होता, ध्यान रखना, इसलिए मैंने सिंगलेट SP2 बाद में बताया है। इसके इलेक्ट्रॉन को फोर्स करके, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करके हम सुखा डाल देंगे SP2 के अंदर, और ये प्योरटल एम्प्टी हो जाएगा। सिंगलेट वाला SP2 ऐसे बनेगा, ध्यान रखना, ये सिंगलेट वाला SP2, ये है सिंगलेट SP2, समझे कि नहीं है? सिंगलेट SP2 नहीं क्लियर हुआ? सिंगलेट SP2 कोई डाउट तो नहीं है? नमस्कार। तो ये सिंगलेट SP2 बन गया। अब तुम्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बीन के और नाइट्रीन से क्लियर हो गए, कार्बीन और नाइट्रीन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल डायग्राम्स क्लियर हो गए दोनों कार्बीन और नाइट्रीन के। हाँ इसको ढंग से पढ़, अगर तुम पढ़ चुके होते ना पहले से, तो रिएक्शंस पढ़ देते, ज्यादा मजा आता है उसमें। ये यहाँ पे अब टाइम वेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस ये है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इसमें करवाने, क्योंकि बहुत है अभी ऑर्गेनिक, बहुत ज्यादा है अभी, आइसोलेशन हमने स्टार्ट भी नहीं किया, यूसी चल रहा है अभी। चलो देखो, अब नेक्स्ट है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन बता दिया, सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन बता दिया, उनकी हाइब्रिडाइजेशन बता दी, उनकी प्रॉपर्टीज सबकी बता दी, उनकी प्रॉपर्टीज सबकी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, चलो पहले प्रिपरेशन देखेंगे इसकी, प्रिपरेशन सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट कार्बीन, कार्बीन की प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन प्रिपरेशन फिर रिएक्शन, प्रिपरेशन फिर रिएक्शन। देखो प्रिपरेशन इसकी कैसे हुई, जैसे मैंने लिया डाइजोमिथेन, डायजोमिथेन बनता कैसे है पता है ना, ये हमारा कार्बीन, ये हमारा कार्बीन है, और डायजोमिथेन बनाना है कार्बीन, इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा, N2, N ट्रिपल बॉन्ड N है, N के पास हमारा लोन पेयर, ये लोन पेयर देगा इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल में, और बन गया डायजोमिथेन इस तरीके से, CH2 - N2+। कोई डाउट? CH2 - N2+, किसी को कोई डाउट? इसमें तो आईआईटी में हाँ क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जैसे इसमें रेजोनेंस होगी तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए थे, चार स्ट्रक्चर दे दिए और बोला ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर CH2, CH2 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N माइनस ये प्लस, समझ गए कि नहीं? स्ट्रक्चर समझा गया? तो यानी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे शो करूं या ऐसे शो करूं, बात एक ही है, तुम्हें दिमाग में रखना है। नहीं समझ आया? यस सर। रेजोनेंस दिखाइए, रेजोनेंस, इसको मैं एक मिनट, इसको अगर मैं इसको ना, इसके स्ट्रक्चर ये भी,
ये जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछता हूँ अगर मैं, वन ये टू, ये मैंने हालांकि तुमसे पूछा होगा, एक स्ट्रक्चर दे दिया मैंने प्लस एन डबल बॉन्ड एन माइनस एक, ये दे दिया स्ट्रक्चर, और कोई पॉसिबिलिटी इसके अंदर, और पॉसिबिलिटी तीन स्ट्रक्चर दे दिए इसमें, चलो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा अगर तीन की बात करें, टू वन थ्री, टू वन थ्री, हाँ टू वाला स्ट्रक्चर जो है उसमें ध्यान देंगे एक बार, टू वाले स्ट्रक्चर के अंदर पहले तो देखेंगे, इसके अंदर भी दो पाई बॉन्ड है, इसके अंदर भी दो पाई बॉन्ड है, और इसके अंदर एक ही पाई बॉन्ड है, तो ये तो कम्फर्टेबल हो, इसमें दो पाई बॉन्ड, इसमें दो पाई बॉन्ड, इसमें एक ही पाई बॉन्ड, तो ये लीस्ट टेबल है विदाउट एनी डाउट, ये तो लीस्ट टेबल है। अब इन दोनों में से देखेंगे एन पे नेगेटिव स्टेबल, इसमें कार्बन पे नेगेटिव, तो ये यही गलत हो गया, एन पे नेगेटिव तो स्टेबल है ना, कार्बन पे नेगेटिव उतना स्टेबल नहीं है, तो ये 213 आ जाएगा, ये किया हुआ ना पहले क्वेश्चन, यस, जैसे कनेक्शन ने आंसर दिया ना, इमीडिएटली आंसर दिया है, ये ऐसे सबको आना चाहिए था, तो ये ऐसे वो मैंने जानबूझ के ले लिया क्वेश्चन अभी, हालांकि हम टॉपिक कर रहे हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, CH2N2, CH2N2 स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कैसे बनेगा, तो बस मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, ये स्ट्रक्चर को हटा रहा हूँ यहाँ से, थर्ड को, ये वाली फॉर्म हो या ये वाली फॉर्म, दोनों को एक ही मानना, दोनों को एक ही मानना है। अब CH2N2 बन गया, डाइजोमिथेन बन गया, डाइजोमिथेन को जब गर्म करेंगे तो बनता है हमारा कार्बिन, देखो डाइजोमिथेन, ये बना डाइजोमिथेन, दिस इज डाइजोमिथेन, इसको गर्म करेंगे जब, इसको हीट करेंगे तो बनेगा पहले CH2, कौन सा कार्बिन बनेगा पहले, N2 गैस लिबरेट हो जाएगी, कौन सा कार्बिन बना पहले, सिंगलेट, यस, और टाइम के साथ साथ अपने गर्म कर रहे हैं, तो गर्म है तो इसलिए सिंगलेट कार्बिन, गर्म है तो इसलिए क्या होगा, सिंगलेट कार्बिन, टाइम के साथ साथ बड़े बड़े अपना ठंडा होगा, और कौन सा कार्बिन कन्वर्ट हो जाएगा, मोर स्टेबल, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में, समझ आया कि नहीं है, ये समझ आ गया सबको कि नहीं, यस, पहले सिंगलेट और कन्वर्ट हो गया ट्रिपलेट के अंदर, तो ये पहली प्रिपरेशन, दूसरी प्रिपरेशन, सेकंड प्रिपरेशन, CH2CO लिया, जैसे CH2 - N2+ था, N2+ था, तो ऐसे ही CH2 - CO ले लिया मैंने, क्या ले लिया, CO, C अपने नोन पर दे रहा है, CO, इसको हम रिप्रेजेंट करें अगर, तो ये प्रॉपर तरीका शो करने का, जैसे CH2 अभी मैंने लिया ना डबल बॉन्ड N माइनस था यहाँ पे, प्लस माइनस, तो इसको अगर मैंने ऐसे शो किया था, तो इसको मैंने अगर ऐसे शो किया, तो N प्लस को लिख दो C, और N माइनस को लिख दो O, आ गया ना स्ट्रक्चर इसका भी, नहीं तो बना के दिखा सकते हैं, कोई ऐसे वो नहीं कि नहीं बनेगा स्ट्रक्चर, ये शो कर लोगे ना इसको, ये तुम शो कर लोगे आराम से, इसे बोलते हैं किटीन, क्या बोलते हैं किटीन, इसको अंदर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताया हुआ, तुम किटीन, किटीन है, इसको गर्म करेंगे अगर, इसको गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, CH2 सिंगलेट कार्बिन, और टाइम के साथ साथ अपने अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रिपलेट कार्बिन, तो ये सेकंड प्रिपरेशन क्लियर हो गई इसकी, yes. ये सेकंड प्रिपरेशन है इसकी, है ना, नेक्स्ट प्रिपरेशन CH2 सिंगलेट कार्बिन बना, टाइम के साथ साथ अपने आप ही कन्वर्ट हो गया ट्रिपलेट कार्बिन। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन इसकी है साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है उसके थ्रू, ये यूज भी होगा काफी बार, CH2I2